अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोइन चौहान और आप देख रहे हैं चौहान टीवी। नट मेकिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में नट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के बड़े बड़े रॉड्स को लाया जाता है। फिर इन रॉड्स को एक कटिंग मशीन में डालकर इसे छोटे छोटे साइज के टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक कंटेनर में एक जगह जमा किया जाता है। यहाँ से इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक सीरीज में सेट कर दिया जाता है। यहाँ से स्टील के ये टुकड़े भट्टी में से गुजारे जाते हैं। यहाँ इन्हें लाल होने तक रखा जाता है। फिर इन लाल हो चुके स्टील के टुकड़ों को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है। यहाँ इन्हें इस मशीन से प्रेस करके पहले तो इनको पतला किया जाता है और फिर दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से प्रेस करके इनको हेक्सागोनल शेप दे दी जाती है। फिर आगे एक और दूसरी मशीन के नीचे प्रेस करके सेंटर में सुराख बनाया जाता है। इसके बाद इन नट्स को एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है और ठंडा होने पर इन नट्स को पॉलिशिंग के लिए लाया जाता है। पॉलिशिंग के लिए इन नट्स को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां कुछ देर इन्हें रखने के बाद इन नट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। पॉलिशिंग के बाद फाइनल काम बचता है इन नट्स के अंदर चूड़ी बनाने का। इसके लिए इन सभी नट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के नीचे रखा जाता है। यहाँ इस मशीन में लगी डाई नट में घूमती हुई नट को अंदर से काटते हुए इनमें चूड़ियाँ बनाती जाती है। इसके बाद ये नट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है।